विदेशों में बैठे गैंगस्टरों खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। संघी जांच ब्यूरो यानी कि FBI की मदद ना दिल्ली पुलिस की स्पैशल ब्रांच ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों में एक दीपक बॉक्सर को मैक्सीको तो गिरफ्तार कर लिया है। हासिल जानकारी मुताबिक स्पैशल ब्रांच की टीम इस समय मैक्सीको विच है ते इस गैंगस्टर नु फड़ लिया गया है। उसनु भारत लिया जाएगा। दीपक पिछले साल दिल्ली दे रोहिणी कोर्ट कंपलैक्स विच गैंगस्टर जितेंद्र गोगी दे कतल तो बाद गोगी गैंग चला रहा सी। पुलिस सूत्रों मुताबिक वह बिल्डर अमित गुप्ता के कतल के मामले में भी लोड़िंदा सी, जिसकी पिछले साल 23 अगस्त को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गोली मार के हत्या कर दी गई सी। दीपक बॉक्सर खिलाफ होर भी कई मामले दर्ज हैं। दस दिए कि भारत सरकार वालों विदेशों में बैठे गैंगस्टर खिलाफ शिकंजा कसया जा रहा है। इसे तहत ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने 28 गैंगस्टर की सूची गृह मंत्रालय ने भी सौंपी है। इन्हें गैंगस्टर का संबंध पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होर राज्यों के नाल है, जो विदेशों में रह के भारत में टारगेट किलिंग फरौती दीआं कार्रवाइयां कर रहे हैं।